हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पके हुए आम की इंस्टेंट चटनी बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैं आपको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए बताना चाहूँगी। ये मेरे पास दो आम हैं, छोटे मीडियम पके हुए आम, मैंने छील कर धोकर काट के यूज में रखे हुए हैं। ये आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी है, आप आधा कप भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मीठी चटनी और खट्टी मीठी बनेगी। और ये मेरे पास एक चम्मच, छोटा चम्मच हम अदरक लेंगे, और ये काली मिर्च है, नमक है, और ये भुना पिसा जीरा है, और ये लाल मिर्च पाउडर है एक छोटा चम्मच हमारे पास काला नमक है, और ये दो छोटे चम्मच हमारे पास ये सिरका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। देखिए पैन गर्म हो चुका है, तो हम ये जो दो आपके मेरे पास क्यूब्स हैं पकौड़े में डाल देंगे, और साथ में ये चीनी भी आधा कप के करीब है, और ये थोड़ा सा अदरक एक छोटा चम्मच, और ये काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें इकट्ठी हम डाल देंगे। ये मेरे पास भुना जीरा है एक चम्मच के करीब, वो भी डाल देंगे। नमक, काली मिर्च और हम सिरका थोड़ी देर बाद डालेंगे। सारी चीज़ें डाल दी हैं और हिलाते हुए इसको पका लेंगे, मैश करते रहेंगे साथ में। अभी इसको 3-4 मिनट में पका लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। 5 मिनट हो गया मेरे को इसको पकाते हुए, और ये देखिए चीनी घुल चुकी है और कलर भी आ गई है। ये मोटे मोटे अगर चंक्स रहेंगे तो ये अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्यूरी टाइप नहीं हमने मैंगो को बनाना। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच ये रेगुलर नमक होता है वो डालेंगे, हमने काला नमक भी डाला है इसलिए हम इसमें कम डालेंगे, और आधा ही छोटा चम्मच हम ये काली मिर्च। और 1-2 मिनट इसको चला लेंगे, मुश्किल से 7-8 मिनट में हमारी चटनी बनकर तैयार होती है आम की। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे, फिर हम इसको फाइनल करेंगे। ये देखिए 1 छोटा चम्मच मैं इसमें सिरका डालूँगी, थोड़ा सा पका लेंगे। हमारी बनकर तैयार है, गैस हम बंद कर देते हैं। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगे और ये बनकर तैयार होती है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये आम की चटनी इंस्टेंट, जो पके आम की चटनी बनकर तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और धन्यवाद, थैंक यू।